फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू टॉपिक इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। डेफिनेशन: इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस, एंड वी राइट इट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ एस। और एफ इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, एल ऑफ ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है तो एस प्लस टू। सिमिलरली एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस टू इज ई की पावर माइनस टू टी। नाउ फॉर्मूलेज ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज एल इनवर्स वन अपॉन एस इज इक्वल टू वन। पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, एल ऑफ वन इज वन अपॉन एस। सो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करता है। सेकंड इज माय एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए इज ई की पावर ए टी। एल इनवर्स वन अपॉन एस की पावर एन इज टी की पावर एन माइनस वन टी माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारा एन फ्रैक्शंस में है, फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू वन बाय टू, थ्री बाय टू, 5 by 2 up to so on, then t की पावर n माइनस वन गामा फंक्शन ऑफ n। फोर्थ इज l इनवर्स 1 अपॉन एस स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 1 अपॉन a साइन ए टी। एल इनवर्स s स्केयर प्लस ए स्केयर इज cos ए टी। एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्केयर माइनस ए स्केयर इज 1 अपॉन a साइन हाइपरबोलिक ए टी। एल इनवर्स s अपॉन एस स्केयर माइनस ए स्केयर इज cos हाइपरबोलिक ए टी। अगर हमारा पॉजिटिव है तो साइन ए टी आएगा, अगर नेगेटिव है तो हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वन अपॉन ए वन अपॉन ए। एट इज इफ एफ वन एस एफ टू एस आर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ वन टी एफ टू टी रिस्पेक्टिवली, एंड सी वन एंड सी टू आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, देन एल इनवर्स सी वन एफ वन एस प्लस सी टू एफ टू एस इज इक्वल टू सी वन एल इनवर्स एफ वन एस सी टू एल इनवर्स एफ टू एस। नाइन्थ इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए ई की पावर ए टी एफ टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स ई की पावर माइनस ए टी ए एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए वेन टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो वेन टी लेस देन जीरो, एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए। इसको हम क्या बोलते हैं, हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एल ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए जीरो इफ टी लेस देन ए टी ग्रेटर देन एंड में वन होता है। इलेवंथ इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। If L inverse f of s is equal to f of t, then L inverse f of as is equal to 1 upon a f of 1 upon a, where a is arbitrary constant. 12th is L inverse 1 upon s minus a ki whole power n, e ki power a t, t ki power n, n factorial. If n is a positive integer, otherwise e ki power a t, t ki power n, gamma function of n plus 1. Otherwise ka matlab, n is a fraction term. 13th is L inverse 1 upon s minus a square plus b square is equal to e ki power a t sin b t upon b. L inverse s minus a square plus b square is equal to e ki power a t. यहाँ पे हमारा negative है तो यहाँ पे positive, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, s upon s square plus a square. इसकी laplace क्या होती है, inverse laplace क्या होती है, cos b t. और ये हमारा क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर ए टी वन अपॉन एस स्केयर माइनस ए स्केयर, ये किसकी लैपलेस है, साइन हाइपरबोलिक बी टी अपॉन बी। सिमिलरली यहाँ s अपॉन एस स्केयर माइनस बी स्केयर की लैपलेस क्या होती है, इनवर्स लैपलेस क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक बी टी। और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग से क्या आ जाएगा, e की पावर ए टी, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव e की पावर ए टी। 17 इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन
एल इनवर्स एफ की पावर एन एस इज इक्वल टू एल इनवर्स डी की पावर एन डी एस की पावर एन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन टी की पावर एन एफ ऑफ टी। ये ऑल फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं बिकॉज ये सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। 18th इज डेरिवेटिव डिवाइड बाय एस। इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू डी यू। 19 इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेग्रल। इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी देन एल इनवर्स एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस टी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी अपॉन टी। 20th इज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टू इवेल्युएट इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा टेबल आपने लर्न करना है। ये टेबल हमने प्लस टू क्लास में भी किया था। अल्फा एस प्लस बीटा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी तो क्या होता है ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर स्केयर आ जाता है तो क्या लिखते हैं वन अपॉन एस माइनस ए प्लस बी एस माइनस ए का होल स्केयर। अगर हमारे पास ए माइनस वन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है तो क्या लिखते हैं वन अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी प्लस सी अपॉन एस माइनस सी। ऊपर हमारा कुछ भी टर्म हो सकता है बस हमने नीचे वाला टर्म देखना है। सिमिलरली यहाँ एस माइनस ए एस स्केयर प्लस बी एस प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्केयर आ गया तो हम क्या लिखेंगे बी एस प्लस सी अपॉन एस स्केयर प्लस बी एस प्लस सी। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है वन एस की पावर क्या है हमारी वन तो क्या लिखेंगे ए अपॉन एस माइनस ए। इस टेबल को आपने लर्न करना है। द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। ये आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा कि आपने ए बी सी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। नाउ 21th इज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। लेट एफ ऑफ टी जी टी बी टू फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन कन्वोल्यूशन और फ्लूटिंग ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई एफ स्टार जी। इस स्टार को हम क्या बोलते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एंड डिफाइंड एज एफ स्टार जी इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन इफ एफ टी एफ जी एच आर फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एफ स्टार जी स्टार एच इज इक्वल टू एफ स्टार जी स्टार एच ये कौन सी है एसोसिएटिव लॉ। एफ स्टार जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ स्टार जी प्लस एफ स्टार एच डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एफ प्लस जी प्लस स्टार एच इज इक्वल टू एफ स्टार एच प्लस जी स्टार एच डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपने ये फोर्स लर्न करनी है। नेक्स्ट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये स्टेट एंड प्रूफ आएगी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थ्योरम्स करेंगे सो आपने वहां से अच्छे से कर लेनी है। ये स्टेट एंड प्रूफ आएगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड एल इनवर्स जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी टी देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू। तो आपने ये लर्न करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ स्टार जी। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू। तो इसमें क्या आ जाएगा जी स्टार एफ। ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर हमारा फंक्शन इजी है मतलब तो इसको रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू। अगर हमारा फंक्शन थोड़ा सा टफ है तो यहाँ वहां पे हम रिप्लेस करेंगे यू से। तो आपने ये स्टेप लर्न करना है। इसको आप कॉपी पे लिख लो। अगर इजी है फंक्शन तो टी माइनस यू अगर टफ है तो यू। आपको ये स्टेप समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ 23 इज वन स्टार वन स्टार वन स्टार प्लस वन स्टार एन टाइम्स
इज इक्वल टू टी की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल. ये रिजल्ट आपने लर्न करना है. 24th इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. रिलेशन क्या होता है बीटा एंड गामा फंक्शन का? बीटा एक्स कोमा वाई, गामा फंक्शन ऑफ एक्स, गामा फंक्शन ऑफ वाई, गामा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई. 25th इज एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस एस के इज इक्वल टू जीरो टू टी, जीरो टू वी एफ यू डी यू डी वी. 26th इज जीरो टू टी, जीरो टू टी एफ टी टी डी टी स्केयर इज इक्वल टू जीरो टू टी टी माइनस यू एफ यू डी यू. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैवीसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला. ये भी स्टेट एंड प्रूफ आएगा, तो आप ये भी अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थ्योरम्स करेंगे, तो वहां से आप कर सकते हो हैवीसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला. इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस बी टू पॉलिनोमियल्स इन एस विद डिग्री एफ ऑफ एस लेस देन डिग्री जी ऑफ एस. एफ ऑफ एस की डिग्री हमेशा लेस देन होनी चाहिए जी ऑफ एस से. मीन्स की नीचे वाली डिग्री हमारी ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली डिग्री कम होनी चाहिए. एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ अल्फा आई जी डैश अल्फा आई ई की पावर अल्फा आई टी. 28th इज एल ऑफ टी की पावर माइनस अल्फा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस की पावर माइनस अल्फा एफ ऑफ एस टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्या बन गया? डी माइनस अल्फा एफ ऑफ टी. यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? एल इनवर्स एस की पावर माइनस अल्फा एफ ऑफ एस. लास्ट इज 29th एल ऑफ आयरर फंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? आयरर फंक्शन ऑफ अंडर रूट टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस एस प्लस वन की वन बाय टू. वेयर आयरर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? टू अपॉन अंडर रूट पाई जीरो टू अंडर रूट पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज द आयरर फंक्शन. ये हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूफ की थी, आप वहां से देख सकते हो. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आयरर फंक्शन. ये स्टेट एंड प्रूफ आता है, स्टेट एंड प्रूफ आयरर फंक्शन. तो आपने इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.